नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और आपके इस YouTube चैनल इलेक्ट्राटेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ CSE की तरफ से आने वाली एक ऐसी न्यूज जो कई बार हमको आ चुकी है और अलग अलग तरीके से न्यूज भेजी जा रही है। तो आपको इस समय जो है क्या करना चाहिए जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने डिजी मेल में। डिजी मेल में आने के बाद आप देख सकते हैं जंक में आज का मेल पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इनबॉक्स में तो आपको मिलेगा न्यूज़लेटर, इसमें भी ये न्यूज आपको बताई गई है, और जंक में जाएंगे तो भी आपको ये न्यूज बताई गई है। तो यहाँ पे बताया गया है, डियर वेली, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द वेली टू रजिस्टर फॉर द IRCTC क्रेडेंशियल्स। और आगे दिया है, एज अ स्पेशल स्कीम फॉर द CSE गवर्नेंस फॉर दोज वेलीज हु विल रजिस्टर देमसेल्व फॉर द IRCTC रजिस्ट्रेशन बिटवीन द पीरियड 4 मई 2018 टू 3 जून 2018 विल गेट कैश बैक फॉर द 500 डायरेक्टली इन टू द वैलेट। तो यहाँ पे बताया गया है, जो भी वीएली, यहाँ पे सबसे पहले तो इनका ये वर्ड हर सर्विस में ज़्यादातर जुड़ा होता है, 80 से 90% तक सर्विस में ये जरूर जोड़ देते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द वीएलीज। तो अगर मैंडेटरी है तो उनकी सर्विस बंद कीजिए, जबरदस्ती उनको सर्विस दिलवाइए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये मैंडेटरी कैसे हुआ मेरी समझ में नहीं आता है। चलिए फिलहाल जो भी है, आगे दिया हुआ है कि अगर आप 4 मई 2018 से 3 जून 2018 तक IRCTC रजिस्ट्रेशन अपना करते हैं, यानी कि टिकट बुकिंग के लिए जो है आप एजेंट बनने के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको ₹500 का कैशबैक दिया जाएगा, और ये हर वीएली को दिया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि फर्स्ट 3, लास्ट 3 या फर्स्ट 10, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जितने वीएली 4 मई 2018 से 3 जून 2018 तक जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको जो है ₹500 कैशबैक दे दिया जाएगा वैलेट में। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको वो रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य बताया गया है। तो कई सारे वीएलई जो नए वीएलई होते हैं वो ये मैंडेटरी या अनिवार्य देखकर तुरंत उसमें रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। दोस्तों, अपना पैसा यूं ही बर्बाद ना करें। तो सर्विस बेकार नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यूं ही पैसा बर्बाद ना करें। देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पान की दुकान वाला अगर ऑनलाइन फॉर्म करने लगे तो वो पान बेचेगा या ऑनलाइन फॉर्म करेगा, ये बताइए। तो यदि आपके पास वर्क ही नहीं है तब आप IRCTC से रजिस्ट्रेशन ना करें। कई सारे वीएलई जो हैं ऐसे स्थान पे, ऐसे प्लेस पे हैं या कैसे भी हों, तो वहाँ पे कोई भी कभी भी जो है टिकट बुकिंग कराने आता ही नहीं है। तो यदि आपके पास 1% भी काम नहीं है तो आप इसका यूज ना करें। और कई जगह ऐसा होता है कि बहुत थोड़ा सा काम होता है, यदि बहुत थोड़ा सा काम है तो डायरेक्ट IRCTC रजिस्ट्रेशन करके फ्री में आईडी बना के आप 1-2 टिकट बुक कर सकते हैं महीने के। और यदि आपके पास पर डे का 5 टिकट या 2 टिकट, 3 टिकट, 4 टिकट पर डे अगर आता है, तब आप IRCTC एजेंट बने और अच्छे से अपना वर्क करें। तो बस बताने का मेरा मतलब यही था कि यहाँ पे मैंडेटरी बताया गया है, लेकिन आज तक इनकी मैंडेटरी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए कोई भी हमको सर्विस हमारी नहीं बंद की गई है, तो ये मैंडेटरी नहीं माना जाता है हम लोगों की तरफ से। तो बस यही था, यदि आपको इस सर्विस का यूज है तभी आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। यूं ही किसी भी सर्विस में आने वाली हर सर्विस का कुछ ना कुछ चार्ज रख दिए हैं ये लोग, और CSE को फ्री बोला जाता है। लोग बोलते हैं कि CSE मैंने फ्री में लिया है, हमने भी फ्री में लिया है, उसके बाद में ₹1,000 वैलेट में रखे, और आने वाली हर नई सर्विस आपको कुछ ना कुछ पैसे लेकर तब दी जाती है। अभी देख सकते हैं ये सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान जो भी है, 5,000, 3,000 लगाओ, 3 लाख कमाओ, और ये सब बकवास है बिल्कुल। यदि आपके पास वर्क है तभी वर्क कीजिए, ठीक है। CSE एक नए नए नियम आपको देता है, नए नए कैशबैक देता है, ज़्यादातर लोगों को कैशबैक मिलते ही नहीं हैं, और कई सारे लोगों का जो है IRCTC में पैसा फंसा हुआ है, कई लोगों की आईडी बनी, कई लोगों की आईडी ही नहीं मिली उनको, ये सारी जो है जानकारियाँ मिलती रहती हैं कभी ना कभी कमेंट के माध्यम से। तो कोई मेल करता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन मुझे कोई भी जानकारी उधर से प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, कहना मैं यही चाहता था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा लें जिससे कि न्यू वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।